राजद सांसद मनोज झा ने संसद में ठाकुरों पर बयान दिया था, कविता के जरिए उन्होंने ठाकुरों पर एक बयान दिया जिससे विवाद हो रहा है। उन्होंने अंदर के ठाकुर को मारने की बात कही थी। आनंद मोहन इसका विरोध कर रहे, वो कह रहे हैं कि राजपूतों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठाकुर बनाम ब्राह्मण अब पूरा मामला होता जा रहा है। इसी बीच पटना के इनकम टैक्स कुलंबर पर एक पोस्टर लगा है और एक अलग राजपूत राज्य बनाने की मांग की गई है। राजपूताना राज्य संघर्ष समिति के नेता हैं सिद्धार्थ क्षत्रिय, पोस्टर में उनकी तस्वीर है, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया। ऊपर देखिए जितने भी राजपूत समाज के बड़े नेता रहे हैं उनकी तस्वीर है, बिहार का मैप है। और देखिए यहाँ पे एक घेराबंदी की गई है, रोहतास, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, औरंगाबाद, इन जिलों को यहाँ पे घेरा गया और मांग की गई है कि इन जिलों को मिलाकर एक अलग से राजपूत राज्य बनाया जाए। इन जिलों में राजपूत समाज के लोगों की आबादी काफ़ी है, तो उसी के मद्देनज़र देखिए घेराबंदी की गई है बिहार के मैप में। यहाँ पे ऊपर देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह की तस्वीर है, लिखा हुआ है इन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिया। अर्जुन सिंह की तस्वीर है, लिखा हुआ है पिछड़ों को उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दिया गया। पूर्व पीएम चंद्रशेखर की तस्वीर है, उनके बारे में कहा गया कि पिछड़ी जाति के समाजवादी नेताओं को मुख्य धारा में लेके आए। तो राजपूत समाज के नेताओं ने क्या किया, उनका क्या योगदान है, उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। ये देखिए मनोज झा की भी तस्वीर है, कैमरा पर्सन विशाल आप दिखाइए, मनोज झा की भी तस्वीर है, क्रॉस का साइन वहाँ पे है। उनका विरोध जो है वो किया गया है, ठाकुरों पर उन्होंने जो बयान दिया था उससे लगातार विवाद हो रहा है। ऊपर लिखा हुआ है हमारा इतिहास सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, दानवीर कर्ण, वीर कुंवर सिंह तक का रहा है। तो यहाँ पर बिहार के कुछ जिलों को बनाया जाए इसकी मांग की गई है। साफ लिखा है हमें चाहिए अलग राजपूताना राज्य।